आज का जो हमारा वीडियो है वो है ब्लड प्रेशर मशीन पे। आजकल हमारा खाना पीना बहुत इरेगुलर हो गया है और डेली वर्क लोड का जो प्रेशर है वो भी बहुत ज्यादा हो गया है। ऐसे में ब्लड प्रेशर हाई और लो होना ये तो एक आम बात है, मगर ये बॉडी के लिए बिल्कुल भी आम बात नहीं है। और यदि आपके घर में कोई सीनियर सिटीजन है या फिर ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं तो ऐसे में वीकली या डेली हॉस्पिटल जाना बिल्कुल भी लायबल नहीं है, क्योंकि कोविड 19 के पेशेंट्स हर कहीं हैं। ऐसे में आपके घर में एक ब्लड प्रेशर मशीन होना बहुत जरूरी है। मैंने जो ब्लड प्रेशर मशीन ली है वो 3-4 डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद में ली है। अगर आपके पास डॉक्टर मॉर्फेन या ऑर्नेम की मशीन है तो वो भी बिल्कुल करेक्ट है, उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर मैंने जो मशीन ली है वो कंसल्ट करने के बाद में ली है। और एक और बात मैं आपको बता दूं, ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी कोई मैं आपको रिव्यू दूंगा वो एकदम करेक्ट होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे देखते हैं क्या है इस मशीन में, क्या है इसके फायदे, कैसे करते हैं इसको यूज। बने रहिए मेरे साथ, मेरा नाम है दीपक। ये है हमारी डॉक्टर ट्रस्ट की मशीन। इसकी अगर मैं एमआरपी की बात करूं तो इसकी एमआरपी है 4,000 रुपये। ये मैं आपको दिखाता हूं, 4,000 इसकी एमआरपी है, मगर मेरे को ये आधे से कम दाम में मिली है। दूसरी बात, ये चाइना मेड नहीं है, ये है यूएसए मेड न्यूयॉर्क। तो जैसे आजकल चल रहा है कि हमें चाइना के प्रोडक्ट नहीं खरीदने, तो यूएसए न्यूयॉर्क मेड है। और ये पूरा चार्ट दिया हुआ है कि आपका डायस्टोलिक और सिस्टोलिक कितना होना चाहिए। इसके बाद इसमें टॉकिंग मोड है, अगर आपको नहीं मालूम कि रीडिंग कितना होना चाहिए तो ये मशीन आपको खुद बताएगी। तो अब देखते हैं क्या क्या आता है इसके अंदर। इसके साथ में आता है डबल ए प्लस बैटरीज, जो हमारी घड़ी में बैटरीज लगती हैं वही है मेन यूनिट। ये हमारा ब्लड प्रेशर बेल्ट। और एक मैं आपको बता दूं, अगर इस प्रोडक्ट 1 साल की वारंटी तो आती है, मगर अगर आप इसको ऑनलाइन रजिस्टर कर लेंगे तो आपका वारंटी 5 ईयर्स का हो जाएगा, और 5 ईयर्स का वारंटी अपने आप में बहुत है। इसके बाद ये एक बुकलेट आती है कैसे मशीन यूज़ करना है क्या है। तो चलिए ये सब हम साइड में रख देते हैं और खोलते हैं हमारा मेन यूनिट और लगाते हैं उसमें बैटरी। ये बहुत ही बढ़िया पैकिंग में आया है। अब मैं निकाल देता हूँ इसका ऊपर का फिल्म ताकि ये और भी अच्छे से आपको दिखेगा। ये जो ब्लड प्रेशर मशीन है ये फुल्ली ऑटोमेटिक है और ये टाइम एंड डेट के डिस्प्ले के साथ में आती है। इसके बाद ये पूरी यूजर फ्रेंडली है। इसका एलसीडी साइज जो है वो बहुत बड़ा है, जिसमें आप सिस्टोलिक, डायस्टोलिक और पल्स रेट चेक कर सकते हैं। इसके अंदर आप 120 ब्लड प्रेशर रीडिंग सेव कर सकते हैं। अगर आपकी बैटरी खत्म हो गई हो तो इसमें यहाँ पर फिर माइक्रो यूएसबी का भी ऑप्शन है, जिससे आप इसको चला सकते हैं। तो अब हम इसमें लगा लेते हैं बैटरीज, उसके बाद हमारा ब्लड प्रेशर मॉनिटर हो जाएगा चालू। तो ये है हमारी मशीन, हमने इसमें बैटरी लगा ली है। अब इसको कर लेते हैं हम लोग फटाफट सेट। मैं इसके नीचे एक्चुअली तकिया रख लेता हूँ ताकि ये थोड़ा सा ऊपर हो जाएगी तो आपको थोड़ा ज़रा मैं अच्छे से दिखा सकता हूँ अपने कैमरे से। ये मैंने इसको ऐसे सेट कर लिया है। चलिए अब हम इसको पूरा सेट कर लेते हैं। तो इसमें यह है टाइम बटन, यह है ऑन ऑफ बटन और यह मेमोरी बटन। सबसे पहले हम यूज़र सेट कर लेते हैं। तो इसको अगर आप 3 सेकंड तक प्रेस करेंगे, ये मैंने प्रेस करके रखा है 3 सेकंड तक, तो ये यूज़र ब्लिंक होने लगेगा। अभी यूजर टू ब्लिंक हो रहा है। यूजर टू में आप 120 मेमोरी सेव कर सकते हैं। फिर अगर मैं मेमोरी का बटन दबाऊंगा तो ये हो जाएगा यूजर वन। यूजर वन में भी आप 120 मेमोरीज सेव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यूजर वन आपके दादाजी हो गए और यूजर टू आपकी दादी हो गई। तो मैंने यूजर टू पे इसको सेट कर दिया, मैं दबा दूंगा ऑन ऑफ का बटन, तो ये सेट हो गया यूजर टू में। ये देखिए यूजर टू अब सेट हो चुका है। तो अब जितने भी अगर आप ब्लड प्रेशर लेंगे तो वो सब मेमोरीज यूजर टू में सेव होंगी। अब इसमें लैंग्वेज का भी ऑप्शन है। अगर आपका रीडिंग में देखने में दिक्कत होती है, समझ में नहीं आती, तो ये मशीन खुद बताएगी कि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, ऑप्टिमम है या फिर हाई है। लैंग्वेज सेट करने के लिए आपको ऑन ऑफ बटन दबाना है 3 सेकंड तक। ये मैंने दबा के रखा है 3 सेकंड तक। अभी आ गया लैंग्वेज टू, मतलब हिंदी होता है लैंग्वेज टू, लैंग्वेज थ्री ऑफ और लैंग्वेज वन इंग्लिश। तो मैं इसको सेट कर देता हूँ इंग्लिश लैंग्वेज पे, या चलिए हिंदी लैंग्वेज पे हम इसको सेट कर देते हैं। तो ये सेट हो गई मेरी लैंग्वेज। अब मेजरमेंट सेट करना है मेरे को। ये केपीए में है, वैसे हम लोग केपीए यूज़ इतना करते नहीं हैं, हम लोग चेक करते हैं एमएमएचजी पे। तो मैंने मेमोरी दबाया, एमएमएचजी पे हो गया है। अब मेरी मशीन हो चुकी है पूरी सेट। तो चलिए अब चेक करते हैं अपना ब्लड प्रेशर। अब मैं आपको बताता हूँ कि ब्लड प्रेशर कैसे चेक करते हैं। ये है हमारे पास ब्लड प्रेशर बेल्ट और यह है हमारी मशीन। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो हमारा कफ कॉर्ड है इसको एयर जैक में लगाना है। यह है हमारा एयर जैक और यह है हमारी कफ कॉर्ड। इस कफ कॉर्ड को हम इसमें इंसर्ट कर देंगे। ये देखिए ये कफ कॉर्ड है, इसको आप इसमें इंसर्ट कर दीजिए। ये लग गया। अब हम नापते अपना ब्लड प्रेशर। जब भी आप ब्लड प्रेशर नापें तो ब्लड प्रेशर उल्टे हाथ पे नापें और अपने हाथ को इस तरफ रखें। ये जो अपना हार्ट है यहाँ पर बिल्कुल ऐसे नीचे नहीं रखना है, या तो आप अपने घुटने पर रख सकते हैं या फिर आप ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन हो हार्ट और हैंड का। ये हमने रख लिया। पाम साइड हमेशा ऊपर आना चाहिए। सेकेंड थिंग, ये जो आपका एल्बो रहता है ये वाली जगह जो है
यहां से 2 सेंटीमीटर ऊपर आपको लगाना है, यहां से नीचे नहीं जाना चाहिए। ये हमारा लाइन है, ये मैंने उंगली रखी है, अब यहां पे मेरा ब्लड प्रेशर बेल्ट आना चाहिए। कैसे मैं आपको बताता हूं, ये देखिए मैं इसको खोल लेता हूं, ये मैंने खोला और हर ब्लड प्रेशर मशीन में यहां पे एक एरो रहता है, ये आपको दिख रहा है एरो, ये मैं आपको पास से भी दिखाऊंगा, ये जो एरो है इसको इस तरफ आना चाहिए बिल्कुल बीचों बीच, और ये पाइप की पोजीशन नीचे से ऊपर होना चाहिए, इसको आप उल्टा मत लगाइएगा। और ये जो मैंने आपको बताया था एल्बो से 2 सेंटीमीटर ऊपर, तो ये एल्बो है मेरा, यहां से मैंने 2 उंगली रखी, अब मैं यहां पे इसको लगाता हूं। इसको ना आपको ज्यादा टाइट बांधना है ना आपको ज्यादा इसको लूज बांधना है, ये देखिए ये मैंने इसको बांध दिया। सेकेंड थिंग, जब आप इसको बांधें तो इसमें इतना गैप हो कि आपकी एक उंगली आराम से चले जाए, ठीक है। उसके बाद आपको अपना हाथ यहां पे ऐसे स्टे करना है। एक जरूरी बात कि जब भी आप ब्लड प्रेशर लें, अगर आपने नहाया हो या कुछ खाया हो या स्मोक किया हो, उसके आधे से 1 घंटे बाद ही ब्लड प्रेशर चेक करिएगा, अदरवाइज वेरिएशन बहुत आएंगे। तो चलिए अब हम चेक करते हैं अपना ब्लड प्रेशर। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक टॉकिंग मशीन है, जैसे हम ब्लड प्रेशर लेते हैं ये बोलती है, और जब ब्लड प्रेशर हो जाता है पूरा तब भी ये बताती है आपका ब्लड प्रेशर कम है या ज्यादा। तो लेट्स स्टार्ट। इसने रीडिंग लेना स्टार्ट कर दिया है। एक्चुअली अगर मैं बात करूं तो इसका एक्यूरेसी 98% है, तो आप बेफिक्र हो जाइए, जो आपका ब्लड प्रेशर आएगा वो बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। तो आपने देखा इसने बोला मेरा बीपी ठीक है। ब्लड प्रेशर का जो वैल्यू है वो होना चाहिए 120-80, मतलब 120-80, मेरा आ रहा है 119-78, इट्स गुड। और बाकी जो ब्लड प्रेशर का पूरा चार्ट है कि कितना वैल्यू होना चाहिए और कितना मेजरमेंट होना चाहिए, उसका मैं इमेज अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वीडियो में भी डाल दूंगा, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं दिखा दूँ वो कैसा है, ये वाला चार्ट है, ये मैं पूरा डाल दूंगा कि नॉर्मल बीपी कब होता है, हाई बीपी कब होता है, लो बीपी कब होता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आपने देखा कि बीपी मेजरमेंट करना कितना आसान है। अब इसकी एमआरपी की बात करें तो डॉक्टर ट्रस्ट की ये मशीन मुझे 1800 रुपये मिली है। तो गाइस अभी तक के लिए इतना ही, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग।